हेलो ग्रैंड, कैसे हो फ्रेंड्स। जय मा टैरो में आपका स्वागत है। जय मा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जय मा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ये रीडिंग ही शी सेम जेंडर मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस है, इसलिए आप इसे कभी भी देख सकते हो। जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, बाकी सब छोड़ देना। इस रीडिंग से आपको बहुत सारी क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी जो है आपके रिश्ते के लिए जरूरी। तो देखते हैं आज डिवाइन टैरो कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। माता रानी का नाम लेते हैं और कार्ड निकालते हैं। फर्स्ट कार्ड कौन सा है? द डेविल। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स के साथ सिक्स ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी की रीडिंग हो, नंबर 3 ना है। द एम्प्रेस। एट ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स। द फूल। फोर ऑफ कप्स। बॉटम में आया है द स्टार। बॉटम में आया है द स्टार मेजर अरकाना का। गाइस, यहाँ पे अर्थ साइन है, फायर साइन है और वाटर साइन है, एयर साइन नहीं है। अगर नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 10 इम्पोर्टेंट है, नंबर 11 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, नंबर सॉरी 13 नहीं, नंबर 14 इम्पोर्टेंट है, नंबर 15 इम्पोर्टेंट है और नंबर 17 इम्पोर्टेंट है। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करी जाए तो यहाँ पे नंबर 6 है जो रिपीटेड नंबर है और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको प्रपोज किया हो, या आप लोगों का बर्थडे हो, या आप कहीं घूमने गए हो पहली बार डेट पे इस डेट को। चलिए शुरू करते हैं कि थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या होने वाला है। तो गाइस, थर्ड पार्टी, अगर ये पर्सन आपसे आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास गए हैं, लेकिन हम जिस पहले थर्ड पार्टी की बात करते हैं कि थर्ड पार्टी का पहला कार्ड अगर रीडिंग का दिखे तो डेविल का आया है, यानी कि थर्ड पार्टी के आने वाले टाइम पे काफ़ी परेशानियां आने वाली है। पहला कार्ड ही हमें डेविल का मिला है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिश्ता जो था, जो बना है, वो हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर कुछ किया हो, या इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है। और ये भी हो सकता है कि फाइनेंस को चलते वो थर्ड पार्टी के पास थर्ड पार्टी ने अपने काबू में कर रखा हो। लेकिन थर्ड पार्टी आने वाले टाइम पे
काफ़ी नेगेटिविटी का सामना करने वाली है, क्योंकि हमें मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये बताता है कि आपके पर्सन इसकी तरफ बिल्कुल गौर नहीं करेंगे, ये वो चीज़ें आगे ले जाना चाहेगी जो कभी आपने लगा चलाई थी, लेकिन ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहते रहते अपने आप को बोझा सा महसूस करते हैं, बोझल महसूस करते हैं। इनको ऐसे लगता है कि जैसे लाइफ बंद सी गई है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के पीछे लग के इन्होंने आपको हो सकता है ब्लॉक किया हो, आपके लिए सारे रास्ते बंद किए हो, ये भी कहा हो कि अब जो हो गया उसे भूल जाओ। ऐसे ही है, दुनिया जी रही है, कई कुछ ऐसे बहाने लगाए होंगे जिसको आप पचा नहीं पाए और इसी वजह से आप याद करते हो। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो या अनमैरिड हो। अब ये पर्सन आपके अंदर गाइज एक ऐसे इंसान हो आप जो पॉजिटिव बन के रिश्ते को निभाते हो, चीज़ों को मैनेज करना जानते हो, पर्सनैलिटी है, बातचीत करने का तरीका अच्छा है, लेकिन ये पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ झुक गया। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन में किसी को कुछ कराया हो, तो ये स्ट्रेस सा फील कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों को लेके, इनको बोझ सा फील होता है थर्ड पार्टी के साथ, इनको घुटन सी फील हो रही है। ये आपको ऑनलाइन काफ़ी स्टॉक करते हैं, भले ही थर्ड पार्टी इनको जितना मर्जी परेशान करे, ये आपका प्रोफाइल चेक करते हैं, फेसबुक में आपको देखते हैं। अगर थर्ड पार्टी इनको ज़बरदस्ती प्रपोज करती है तो ये जा इनकी फैमिली कोई और इनके लिए रिश्ता लेके आती है तो ये साफ मना कर देते हैं कि मेरे जैसा अब और कुछ नहीं होगा, मैंने किसी और को किसी और का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करना। ये भी पता चल रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी रिश्तेदारी में या कॉलेज फ्रेंड या ऑफिस में भी हो सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ भी इनका कुछ रिश्ता ऐसा ही रहा, थर्ड पार्टी की तरफ झुक गए, एक इनको अट्रैक्शन नज़र आया, एक पैशनेट हुए, उसकी तरफ चले गए, लेकिन जो उसकी वो थी नेगेटिविटी थी उसका सामना अब इसको करना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी का आगे लाइफ में होना है, एक स्ट्रेस आना है, एक बिजी शेड्यूल आपके पर्सन का मिलेगा, आपके पर्सन की तरफ से उसको जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेंगे, नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे। जब ये पर्सन आपके साथ थे ये बड़े खिले खिले रहते थे, रोमांटिक वे में रहते थे, खुश रहते थे, रिश्ते के लिए भले ही नहीं सीरियस थे लेकिन दिमाग में किसी तरह का इनको स्ट्रेस नहीं था, और इस टाइम ऐसा स्ट्रेस है। तो गाइस थर्ड पार्टी के ऊपर परेशानियां आने वाली हैं, क्योंकि बॉटम में हमें मिला द स्टार का कार्ड जो ये बता रहा है कि पर्सन अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चीज़ों को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और डिवाइन से कनेक्ट होते जा रहे हैं और अपने अंदर ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको क्या नहीं दिया और क्या कितनी वफादारी की। वो चाहते हैं कि अब अगर आप लाइफ में आओ तो दोबारा से वो अगर चीज़ें शुरू हो तो आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, ना कि आपको आंसू देंगे, क्योंकि अब इस चीज़ इस इंसान को ये समझ आ गई है कि अगर आप इसकी फैमिली में रहते हो तो आप मैनेज करने की हिम्मत रखते हो। थर्ड पार्टी जो है इसकी लाइफ में सिर्फ एक स्ट्रेस इसको मिलना है और एक आपके पर्सन की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलना, क्योंकि पर्सन आपके लिए घंटों आपको स्टॉक करते रहते हैं, आपके लिए बहुत पैशनेट है, आपको बहुत मिस करते हैं, इसलिए पर्सन जो है आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी की लाइफ में आगे होना है परेशानियाँ, थर्ड पार्टी को मिलना है आगे स्ट्रेस और एक ऐसा रिस्पॉन्स जिसका आपके पर्सन से उसने सोचा ही नहीं था। क्या ये पर्सन एक्शन लेंगे? गाइस थर्ड पार्टी ने आपका और आपके पर्सन का रिश्ता जो है काफ़ी बुरी तरह रोंदा हुआ दिखता जा रहा है, क्योंकि पहला कार्ड जो है ना डेविल का है, डेविल बताता है कि रिश्ते में जब आप लोग थे काफ़ी चीज़ों का आपने सामना किया है।
क्या ये पर्सन लेंगे? जी हाँ, ये पर्सन जो है एक्शन लेंगे। कितना टाइम लगेगा? लीजिए, गाइस, ये कार्ड ये बता रहे हैं 6 मंथ से 1 ईयर लग सकता है और आपके पर्सन काफ़ी एफर्ट लगाते हुए आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि ये पर्सन सोच चुके हैं कि ये रिश्ता लगभग ख़त्म सा ख़त्म है, लेकिन ये चाहते हैं तो इस रिश्ते का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और इनको काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ेंगे तब ये इस जगह पर पहुंचेंगे। काफ़ी मेहनत मशक्क़त के पास आप आएंगे कि थर्ड पार्टी के साथ इनको काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, यानी कि थर्ड पार्टी कोई बवाल खड़ा करेगी। आपके लिए क्या एडवाइस कार्ड है? ये रिया, आपका निकला है द चैरियट का कार्ड, एक परफेक्ट एक्शन का कार्ड। तो डिवाइन ने कहा है आप मजबूत बनिए, अच्छे बुरे को नेगेटिव पॉजिटिव को समझिए, अपनी एनर्जी लो मत कीजिए, आपने अंदर नेगेटिविटी मत भरिए, एक होपफुल एनर्जी से बोल्ड तरीके से पर्सन के साथ प्रैक्टिकल वे से आपने पेश आना है। जैसे मतलब ये होता है ना कि ये नहीं है कि याद करते गए तो रोते गए, आप डिवाइन ने कहा है कि आप इमेच्योरिटी ज़्यादा रिश्ते में रखते हो, आपको मच्योर बनने की ज़रूरत है, पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, बोल्ड बनने की ज़रूरत है और आपको अच्छे बुरे की समझ का भी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो है आपकी चीज़ें जो है परफेक्टली आगे चलें। तो इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अगर उनकी कुछ सोचते भी हो तो अच्छी चीज़ें उनके साथ अपनी बताए हुए लम्हे सोचिए। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था कि थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या होने वाला है। तो गाइज मैं बता दूँ, थर्ड पार्टी में अब काफ़ी कुछ अनएक्सपेक्टेड, जैसे आपके पर्सन से उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, स्ट्रेस से भरा हुई लाइफ मिलने वाली है और ऐसा लगने वाला है सब कुछ मैसी, जो डेविल का कार्ड आया, यानी कि सब कुछ मैसी। जो चीज़ें उसने सोची हुई थी कि पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, पर्सन आपको डेट करेंगे या पर्सन आपको मैरिज करेंगे या स्टॉक करेंगे, वो सब उसका अनएक्सेप्टेड, वो उसको नहीं मिलने वाला। इसलिए जो चीज़ें एक्सेप्ट करी थी वो उसको नहीं मिलने वाली, सब कुछ मैसी होने वाला है उसकी ज़िंदगी में, उसकी लाइफ में। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।